किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके अपने बीच में। आज केले के खेत पर अभी से पहले हमने मिर्च की खेती का वीडियो बनाया है जो आप देखेंगे भी होंगे। हम लगातार कुछ ऐसे रिजल्ट दिखाएंगे जिनके अनुभव बिल्कुल नए होंगे। और ये हमारे साथ जो किसान है ये अभी पहली बार हमारे साथ शुरुआत की है। इनके बगल के खेत में इनके बड़े भाई साहब खेती कर रहे थे साथ में, उसके अनुभव के आधार पर इन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या जाना और पहले स्प्रे के बाद इन्होंने क्या अनुभव किया है वो सारे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले सबसे पहले भाई साहब आपका नाम? सतीश चंद। सतीश चंद जी, जैसे हमने मिर्च की खेती में बताया भी था, आपका जो ये केले का खेत है कितने बीघे में है? ये 5 बीघा। 5 बीघा। 5 बीघा का मतलब हमारे यहाँ का 1 एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपने जो स्प्रे किया वो कितने दिन पहले किया था हमारा? ये 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। क्या क्या समस्याएं थी जिसलिए आप मुझे खेत पर लेकर के आए थे, आप खुद बताइए। अरे इसमें पेड़ गिर रहे थे, सड़न लगी थी, पत्ते गिर रहे थे जी, पत्ते छोड़ रहे थे जी, और जो कीट वाली समस्या थी, जो कीड़ा बहुत था वो जमीन से जो आता है, है ना, इसको स्नेल बोलते हैं, और वो जड़ों को बहुत खा जाता है और जहाँ पर मजबूत हिस्सा होता है उसको खा जाता है, जहाँ से फूल निकल रहा होता है उसको खा जाता है, जिस वजह से कई पौधों में शिकायतें होती है कि फूल नहीं बन पाता, फूल जब बनता है तभी वो खा जाते हैं, है ना। तो ये समस्याएं आती हैं। तो जो ये आपने स्प्रे किया उसके बाद जो पौधे में अंतर आपको दिखा है वो अंतर जरा दिखाइएगा, क्या अंतर आपको दिखा है, कैसे दिखा है? ये जो दवा पड़ने के बाद ये पानी जो डाले थे सूख रहा है जी, ये हमें मतलब रिजल्ट इसका दिख रहा है जी। इस पे क्या रिजल्ट आपको दिखा है, ये जो देखे हैं आप जो बता रहे हैं इसमें क्या रिजल्ट दिखा है आपको? इसमें पानी ज्यादा था, ये उसी से सड़न मालूम जी, जो सड़न लग रही थी वो खत्म हो रही है। अब पत्ता सूख करके देख रहे हैं, मुरझा के निकल, जितने भी पौधे लगे हुए सब पे नीचे सड़न लगी हुई थी। ये अगर आप देखेंगे ये देखिए, ये बिल्कुल सूख रहे हैं, ये देखिए सूख रहे हैं, यही पहले सब भीगे हुए थे, पानी से भरे हुए थे। आप इधर का अनुभव करिए, जबकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हुई है और लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन ये देखिए सूख गए हैं, ये देखिए ये सूख रहे हैं। अभी एक ही स्प्रे हुआ है, 3 दिन हुए, अभी दूसरे स्प्रे के बाद ये बिल्कुल सूख चुका होगा, जिसका वीडियो रितेश बना करके देंगे। तो हम चाहेंगे रितेश जी, जब आप इससे पहले खेत पर आए थे तो ये जो सूखने के जो अनुभव आप देख रहे हो, इस आधार पर धीरे धीरे जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जैविक मुहिम में, उसको लेकर के क्या अनुभव आप बयां करना चाहेंगे लोगों के लिए? बहुत अच्छा अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट है श्री ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट के। मैं ये देख रहा हूँ किसान, हम लोगों के प्रोडक्ट तो पहले तो थोड़ा नानुकर करता है, दूसरे की प्रक्रिया जब देखता है कि दूसरा किसान अगर कर रहा है हमसे और अच्छा जब उसका केला लगता है तो वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो फिर चाचा जी ने हमको बुलाया था, फिर देखा था खेत, इनके सोयल फंगल बहुत था, उनके कीट बहुत लगा था, तीसरे 3 दिन हुआ है तब स्प्रे किया, आज बहुत इनको अच्छा रिजल्ट मिला, जो पत्ते छोड़ रहा था पेड़ वो आज काफी हद तक रुक गया और सड़न भी इसमें जी जी। तो अब हम यहाँ फिर से हम डॉक्टर साहब के पास वापस आते हैं और थोड़ी सी चर्चा डॉक्टर साहब के साथ करेंगे, क्योंकि जागरूक करना बहुत जरूरी है। और जब किसान के मसीहा लोग जब ऐसे जैविक मुहिम के लिए हिस्सा बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनको कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बहुत सारी बातें बनने लगती हैं कि पैसा देकर के वीडियो बनाया है, कमीशनबाजी होती है, दुनियादारी बहुत ज्यादा होता है, लोग डरते भी हैं। नहीं होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो ये हौसला बढ़ा रहे हैं, ये जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं लगातार, देखिए बिल्कुल सूख गया है, देख रहे हैं, ये पिछली बार हम लोग आए थे तो इसमें सड़न लगी हुई थी, सड़न लगी थी, कीड़े पड़े थे जी, अब वो कीड़े भी नहीं है, और पानी भी सूख गया और सड़न खत्म हो गया। अभी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बारिश हुई है ना, लगातार 2-3 दिन बारिश रही, दवा छोड़ने के बाद अभी आप रसायन जो पहले आप डाले थे अगर कोई और होती तो शायद वो बह गई होती, लेकिन आपने अनुभव किया हमारी दवा अभी भी काम कर रही है और ये लगातार काम कर रही है, ये सूख जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर आप अगला स्प्रे नहीं करेंगे तो भी सूख जाएगा, लेकिन हमें फिर भी रक्षा कवच लेना है, क्योंकि 2 स्प्रे होने के बाद हमारी समस्या नहीं रहेगी। जो पेड़ के गिरने की, देखिए अब ये पेड़ में मजबूती देखिए, पहले हलक हिलाते थे तो पूरा लुचुर लुचुर होता था, लेकिन अब ये टाइटपन देखिए आ गया, पहले यही फूला फूला था, दाबते थे तो उंगली घुस जाती थी, ये देखिए, ये देख रहे हैं अब ये सूख गया पूरा, ये देखिए सब सूखना शुरू हो गया, ये पूरा सूखना, आंधी में इसे तो ज्यादा गिरा, 150 रुपए गिरा इसमें जी, अब गिरने की वो समस्या नहीं रहेगी, है ना। तो डॉक्टर साहब आपने पिछली बार हमारे साथ शुरू किया था तो हमने अब जब पहली बार आपका खेत देखा था तो उसपे मैंने पहले ही कह दिया था वहाँ के पौधे गिर रहे होंगे, तो वो जो अनुभव आपने दवा डाली उसके बाद क्या पौधे गिरे थे? नहीं, जब मैं पिछले साल से मैंने जैविक कर रहा हूँ जी, पिछली बार 1 एकड़ खेत था मेरा उसमें जी, और बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, जिस दिन से दवा छोड़े थे जी, और अनुभव के लिए 5-6 लाइन खेत एक तरफ बढ़ा दिया गया था जी, जिसमें दवा छोड़े थे उसमें पेड़ नहीं गिरा, और जिसमें दवा नहीं छोड़े थे उसके पेड़ आखिर तक गिरते रहे जब तक घर लगे रहे जी। तो इससे अनुभव आया कि दवा छोड़ने के बाद पेड़ गिरना एकदम बंद हो जाता है। तो ये जो यही अनुभव पिछले बार हमको मिल गया, तो इस बार तो फिर भाई के मेरे खेत में इस बार लाया हूँ जी, और इसमें अभी आंधी इसके पहले आई थी उसमें 200 पेड़ करीब इनके
गिर गए थे, 200 पेड़ गिर गए थे जी। अब जब से दवा पड़ी भी तीन चार दिन रहे दवा पड़े जी, अब कीड़ा भी खत्म हो गया जी, और पानी इसका जो भरा हुआ था जो पल्ला और पानी निकलता था जी, वो भी पानी इसमें का जो है सूख रहा है। अब बारिश हो गई इसलिए कुछ थोड़ा समय लगा, लेकिन ये 8 दिन के अंदर एकदम सूखा पेड़ हो जाएगा, इस सड़न की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं यहाँ खुले मंच पर ये बात कह रहा हूँ कि एक कंपनी के मालिक होने के नाते मैं डॉक्टर साहब को एक पैसा भी नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कमीशनबाजी नहीं होती, तो किसी की छवि खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी बात करोगे वो मेरे पास ही आएंगे। इसीलिए मैं इस वीडियो में साफ साफ बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब सिर्फ एक किसान भाइयों को जैविक मुहिम यानी जहर मुक्त खेती के लिए लगे हुए हैं, और उसको बढ़ावा दीजिए, बदनाम मत करिए। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने देख लिया है कि मेरे फार्मूले की जो और कंपनियां हैं वो कितनी महंगी हैं और उनके प्रोडक्ट कितने महंगे हैं, नहीं महंगे हैं, और उनसे हम आधे रेट पर हैं। तो ये अनुभवों के साथ जब डॉक्टर साहब शुरू किए हैं, तो आपको भी अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप खेत आइए देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको लगे कि वास्तव में ये रिजल्ट है, मैं आज पहली बार डॉक्टर साहब का नंबर भी देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब एक बार नंबर दीजिए, नंबर है 9450-2769-53, ये दूसरा नंबर भी है 79-85-58-35-30। तो हम यही चाहेंगे आप इस नंबर पर सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, ऑर्गेनिक के अनुभव ले सकते हैं, और एक बड़े बदलाव के रूप में जैविक खेती के लिए जो मुहिम में हिस्सा बने, मैं भी चाहूंगा कि सरकार इनको प्रोत्साहित करे, और वास्तविकता में जो ऐसे किसान है जो खुद किसान भी हैं और खुद जैविक को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे किसानों को आगे बढ़ाया जाए, बनावटी किसानों को आगे ना बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय जय किसान।